आता प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील बोलता है। व्यासपीठावर उपस्थित अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी, व्यासपीठावर उपस्थित राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय सरचिटणीस आणि महाराष्ट्राच्या प्रभारी राज्यसभेच्या सदस्य सरोज दीदी पांडे, महाराष्ट्राचा जनादेशाचा अनादर जर झाला नसता आणि विश्वासघात जर झाला नसता तर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून आपल्या समोर आले असते। पण विश्वासघातामुळे मुख्यमंत्री न होता महाराष्ट्राच्या विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेता झाले असे आपल्या सगळ्यांचे नेते देवेंद्रजी फडणवीस, ज्यांची माझ्या बरोबरीनेच मुंबई शहर जिल्ह्याचे अध्यक्ष, मुंबईचे अध्यक्ष म्हणून घोषणा झाली असे आमदार मंगलप्रभात लोढाजी व्यासपीठावर अनेक मान्यवर उपस्थित आहेत। आपल्याला दिवसभराच्या ह्या राज्य परिषदेमध्ये खूप कामकाज करायचं आहे आणि त्यामध्ये त्या सगळ्यांची नावं न घेता मी एवढंच म्हणेन की व्यासपीठावरील सर्व मान्यवर, प्रामुख्याने केंद्रीय नेते, महाराष्ट्रामध्ये वेगवेगळ्या खात्यांचे ज्यांनी मंत्री म्हणून काम केलं आणि महाराष्ट्राच्या कोर कमिटीचे सदस्य आहेत असे माझे सगळे सहकारी, महाराष्ट्राचे सर्व पदाधिकारी आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे ज्यांच्या जीवावर हा पक्ष चालतो, ज्यांच्या जीवावर हा पक्ष लोकांपर्यंत पोहोचतो, असे मगाशी उल्लेख केल्याप्रमाणे महाराष्ट्राच्या सर्व मंडळातून, सर्व जिल्ह्यातून आलेल्या कार्यकर्ता बंधू भगिनींना मी सुरुवातीला आपण सगळ्यांनी जो माझ्यावर विश्वास व्यक्त केला, पुन्हा एकदा मला महाराष्ट्राचा अध्यक्ष म्हणून जबाबदारी दिली त्याबद्दल आपल्या सगळ्यांचं खूप मनापासून आभार मानतो। प्रामुख्याने आपलं केंद्रीय नेतृत्व, पंतप्रधान माननीय नरेंद्रजी मोदी, आपले पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि आता देशाचे गृहमंत्री माननीय अमितभाई शाह, आपले पूर्वीचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आता राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डाजी, महाराष्ट्रामध्ये काम वाढण्यामध्ये रुजण्यामध्ये प्रमोदजी गोपीनाथराव यांच्या बरोबरीने ज्यांनी परिश्रम घेतले असे नितीनजी, आपण सगळ्यांनी म्हणून पाहिलं की त्यांच्या राज्य अध्यक्ष काळामध्ये संघटना बूथपर्यंत पोहोचली, राज्य आलं आणि महाराष्ट्राच्या जनतेला आनंदी करण्यासाठी ज्यांनी खूप परिश्रम। नियुक्ती की अधिसूचना पढ़ने की अनुमति प्रदान करें। द गैजेट ऑफ इंडिया एक्स्ट्रॉर्डिनरी पार्ट टू, अधिसूचना नई दिल्ली 14 फरवरी 2020 का आ 717 अ, राष्ट्रपति श्री अरविंद केजरीवाल को उस तारीख से जब वे अपने पद की शपथ लेंगे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। अधिसूचना नई दिल्ली 14 फरवरी 2020 का 718 अ, राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह पर निम्नलिखित को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में उस तारीख से मंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं जब वे अपने पद की शपथ लेंगे। श्री मनीष सिसोदिया, श्री सत्येंद्र जैन, श्री गोपाल राय, श्री कैलाश गहलोत, श्री इमरान हुसैन, श्री राजेंद्र गौतम, फाइल संख्या U-110131/1/2020-UTL, हस्ताक्षरित अनुज शर्मा, संयुक्त सचिव गृह मंत्रालय भारत सरकार।
अब मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय से श्री अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने का अनुरोध करता हूं। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। गोपनीयता की शपथ। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अब मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय से मंत्रियों को शपथ दिलाने का अनुरोध करता हूं। श्री मनीष सिसोदिया। मैं मनीष सिसोदिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। गोपनीयता की शपथ। मैं मनीष सिसोदिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री सत्येंद्र जैन। मैं सत्येंद्र जैन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि
मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा, तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। गोपनीयता की शपथ। मैं सत्येंद्र जैन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष एवं अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री गोपाल राय। मैं गोपाल राय आज़ादी के शहीदों का शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा, तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। गोपनीयता की शपथ। मैं गोपाल राय आज़ादी के शहीदों का शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित है, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री कैलाश गहलोत। मैं कैलाश गहलोत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा, तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। गोपनीयता की शपथ। मैं कैलाश गहलोत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए
लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। इमरान हुसैन मैं इमरान हुसैन अल्लाह की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। गोपनीयता की शपथ। मैं इमरान हुसैन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री राजेंद्र गौतम मैं राजेंद्र पाल गौतम तथागत बुद्ध की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। गोपनीयता की शपथ। मैं राजेंद्र पाल गौतम तथागत बुद्ध की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं अप्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अरविंद केजरीवाल यांचा तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्री पदी हा शपथविधी झालेला आहे। यानंतर आपण या बुलेटिन मध्ये इथेच थांबतोय।